वेलकम टू लर्नर वी आई एम शिवानी चौहान क्लास सिक्स मैथ्स चैप्टर थ्री एक्सरसाइज थ्री पॉइंट फाइव के हम इससे पहले पाँच क्वेश्चन देख चुके हैं अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई सिक्स यानी कि लगातार कोई भी तीन नंबर होते हैं ना वो अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमेशा थ्रिक्स से डिवाइड हो जाएंगे वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल मतलब जैसे कि वन टू थ्री ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं लगातार आ रहे हैं इनका जो प्रोडक्ट होगा यानी कि इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो सिक्स से डिवाइड हो जाएगा हमेशा हाँ हो गया अब चलो फोर फाइव और सिक्स को करके देख लेते हैं तो सिक्स फाइव जो थर्टी और थर्टी इंटू फोर वन ट्वेंटी होता है ना वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी को सिक्स से डिवाइड करेंगे यार ये भी हो गया सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व तो इसका मतलब हाँ भाई ये बात सच है कि अगर लगातार जो भी तीन नंबर हमारे आते हैं जब हम टेबल पूरी गिनतियाँ पढ़ते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कोई से भी लगातार तीन नंबर अगर हम ले लें उनको मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा सिक्स से डिवाइड होंगे तो देखो फाइव सिक्स सेवन को डिवाइड करा है टू हंड्रेड टेन आया और टू हंड्रेड टेन भी सिक्स से डिवाइड हो जाता है क्वेश्चन सेवन है द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय फोर वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल यानी कि हमें बोला गया है कि सम ऑफ टू कॉन्जिकटिव ऑर्ड नंबर ऑर्ड नंबर कौन से होते हैं देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अगर हम ये लिखें तो इसमें ऑर्ड नंबर वो होंगे जो टू से डिवाइड नहीं होंगे तो जैसे कि आप थ्री हो गया है ना फिर उसके बाद फाइव हो गया सेवन हो गया तो इसमें बोला है सम ऑफ टू कॉन्जिकटिव ऑर्ड नंबर्स तो सम ऑफ टू कन्जिकटिव ऑर्ड नंबर्स अगर हम करें तो थ्री और फाइव करें वन भी देखो ऑड होता है अगर हम थ्री और फाइव करें तो क्या आएगा एट आएगा और एट फोर से डिवाइड हो जाएगा फाइव और सेवन करें ट्वेल्व आएगा और ट्वेल्व भी फोर से डिवाइड हो जाएगा तो ये बात बिल्कुल सही है तो कई सारे हम लोगों को करके दिखा दिए हैं कि भाई दो कंजर्गेटिव ऑड नंबर कन्जर्गेटिव ऑड नंबर देखो इसके बाद ये वाला ऑड नंबर आ रहा है ना और ये फोर तो इवन है तो ये वाला ऑड है फिर उसके बाद ये वाला ऑड है तो लगातार दो तो जो ऑड नंबर आ रहे हैं अगर उनका हम सम कर दें तो सम करने के बाद भाई वो फोर से ज़रूर ज़रूर डिवाइड होंगे ये हमें बताया गया है क्वेश्चन एट है इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैज़ प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन इसमें से प्राइम फैक्टराइजेशन किस में की गई है तो देखो ट्वेंटी फोर की प्राइम फैक्टराइजेशन एक बार करके देख लेते हैं तो ट्वेंटी फोर की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा टू वन ज़ा टू 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 ज फोर टू सिक्स जै ट्वेल्व टू थ्री ज़ा सिक्स और थ्री वन ज़ा वन ठीक है तो ये आना चाहिए और इन्होंने टू थ्री और फोर लिखा है तो टू ये वाला लिख दिया थ्री ये वाला लिख दिया और फोर लिखा है इन्होंने टू और टू को मल्टीप्लाई करके तो हाँ ये वाला है फोर इज अ कॉम्पोजिट प्राइम फैक्ट्राइजेशन हैज़ नॉट बीन डन तो अगर इसको फोर की जगह ये टू इंटू टू लिखते ना तो इसका मतलब होता कि प्राइम फैक्ट्राइजेशन की गई है तो जब भी देखो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ही क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि उसमें प्राइम नंबर्स आने चाहिए और अगर किसी में प्राइम नंबर्स नहीं आ रहे हैं ना तो इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन उसमें नहीं किया गया है तो हमें दिख रहा है डी में नाइन लिखा है नाइन इज़ नॉट अ प्राइम नंबर तो इसका मतलब इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ है और इसमें देखो फोर लिखा है फोर इज़ नॉट अ प्राइम नंबर तो इसलिए ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ अब ये देखो ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं ठीक है सेवन टू 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 ये सारे के सारे क्या है प्राइम नंबर्स हैं सिंस ऑल द फैक्टर्स आर प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन ये तीनों भी प्राइम हैं तो इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है बट देखो यहाँ पे नाइन कॉम्पोजिट आ गया है टी पार्ट में इसलिए हम कहेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ है क्वेश्चन नंबर नाइन है एटीन इज डिविजिबल बाय बोथ टू एंड थ्री बिल्कुल सही बात है एटीन टू की टेबल में भी आता है और थ्री की टेबल में भी आता है इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय टू इंटू थ्री यानी कि सिक्स से भी डिवाइड हो जाता है सिमिलरली नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ फोर एंड सिक्स एक नंबर है जो कि फोर और सिक्स दोनों से डिवाइड हो रहा है कैन वी से दैट नंबर मस्ट ऑल्सो भी डिविजिबल बाय फोर इंटू सिक्स यानी कि ट्वेंटी फोर तो देखो क्या है नो no. सिंस फोटीन सॉरी सिंस ट्वेल्व एंड थर्टी सिक्स आर बोथ डिविजिबल बाई फोर एंड सिक्स बोथ ट्वेल्व एंड थर्टी सिक्स आर नॉट डिविजिबल बाई ट्वेंटी फोर तो देखो ये तो ना क्या होता है कि कोई भी नंबर अगर कोई एक नंबर है वो टू से भी डिवाइड हो रहा है और थ्री से भी डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर सिक्स से तो डिवाइड होता ही होता है यही तो सिक्स का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है मगर अगर कोई नंबर फोर और सिक्स दोनों से डिवाइड हो रहा हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर ट्वेंटी फ़ोर से भी डिवाइड हो क्योंकि ये ट्वेंटी फ़ोर का डिविज़िबिलिटी टेस्ट नहीं होता इसलिए ये वाला चीज़ नो में आ जाएगी क्वेश्चन टेन है ये बोल रहा है आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग फोर डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स कैन यू फाइंड हुई मैं सबसे छोटा जो है नंबर हूँ जिसके चार अलग अलग प्राइम फैक्टर्स हैं तो यहाँ देखो ये हुआ सिंस इट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर इट विल बी प्रोडक्ट ऑफ फोर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स तो देखो सबसे छोटे प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं ये वाले होते हैं है ना और इनका प्रोडक्ट क्या है टू हंड्रेड टेन है क्योंकि इसमें बोला गया है आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग फोर डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स मेरे अलग अलग प्राइम फैक्टर्स हैं और मैं क्या हूँ तो सबसे छोटे वाले प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो टेन इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं ये है ये है ये है ये है तो चार सबसे छोटे प्राइम नंबर ये हैं इन चार को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही होगा भाई ऐसा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो कि सारे छोटे छोटे प्राइम नंबर सारे चार जो सबसे छोटे प्राइम नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके आएगा योगे एक्सरसाइज थैंक यू